हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीज ब्यूटी हैक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आज हम देखने वाले हैं कैरेट ऑयल हम कैसे बनाएं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही में आपके बालों को शाइनी बनाता है। इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं, ए के सी B6 B1 B3 फाइबर पोटेशियम फॉस्फोरस, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं और मैं इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी मिलाने वाली हूँ। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है गाजर, इसके ऊपर से छिलका हटाना है और फिर आप इसे कद्दूकस कर लें। तो मैं आपको यहाँ दो मेथड बताने वाली हूँ। आप कद्दूकस करने के बाद आप इसे धूप में सुखा सकते हैं, जितने दिन बाद भी ये सूखे तब आप इसे ग्राइंड कर लें और फिर इसे आप किसी ऑयल में मिला दें। ये ऑयल आप लंबे टाइम तक सेव कर पाएंगे, आप 6 महीने तक इसे रख सकते हैं स्टोर करके। बस आपको इसका पाउडर बनाना है और पाउडर को कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल में मिला लेना है। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड जिससे मैं बनाने वाली हूँ। आपको कद्दूकस की हुई गाजर लेनी है और इसमें आपको ऑयल मिलाना है। मैं यहाँ पर डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल मिलाने वाली हूँ क्योंकि इसमें 99% कोकोनट ऑयल है, प्योर कोकोनट ऑयल है ये। तो मैं 1 कप के आसपास इन गाजर में मिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर लिया है और ऑयल, इस वाले मेथड से बनाए गए ऑयल को हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऑयल मिलाने के बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है। पाँच मिनट बाद आप इसे हटा दें और ठंडे होने का वेट करें। फिर आप इसे छलनी से छान लें। छानने के बाद आप किसी कांच के कंटेनर में इसे स्टोर कर लें। ये हमने बनाया है हेयर ऑयल। मैं आपको हेयर सीरम भी बनाना बताऊंगी। इसमें बस आपको एलोवेरा जेल मिला देना है सीरम बनाने के लिए। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप प्रेस मिलाते हैं तो आप उसे स्टोर नहीं करके रख सकते, आप मार्केट वाला मिलाते हैं तो आप उसे स्टोर करके रख पाएंगे। सो ये हमारा ऑयल और सीरम तैयार है। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल या फिर कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं। दोनों ही हमारे हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, हमारे बालों के लिए कई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।